हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वोमेन। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको हृदय को स्वस्थ रखने के लिए गन्ने के रस का सेवन करना फ़ायदेमंद होता है या नहीं। फ्रेंड्स, गन्ने का रस काफ़ी फ़ायदेमंद होता है स्वास्थ्य के लिए। यदि हम इसके पोषक तत्वों की बात करें तो ये एक नेचुरल शुगर होती है इसमें, और अगर शक्कर की बजाय अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको नेचुरली शुगर मिल जाती है इससे आपको। और फ्रेंड्स, इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे लोह तत्व होता है, यानी कि इसमें आयरन की भी पर्याप्त मात्रा होती है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। यदि फ्रेंड्स हम बात करें हृदय की, तो हृदय रोग को दूर करने में और हृदय को स्वस्थ रखने में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। यदि आपके परिवार में किसी को भी दिल संबंधित कोई समस्या है या दिल की बीमारी है तो उसके लिए गन्ने के रस का सेवन करना काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, गन्ना का रस जो होता है उसमें पोटेशियम पाया जाता है। अगर उसका नियमित सेवन किया जाए तो वो तंत्रिकाओं और नसों में रक्त का प्रवाह को सुचारू बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जो खतरा होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। यानी कि हृदयघात के खतरे को यदि आप कम करना चाहते हैं तो गन्ने के रस का सेवन ज़रूर कीजिए। गन्ने के रस के सेवन करने से हार्ट अटैक का खतरा और हार्ट डिजीज होना काफ़ी कम हो जाता है, इसका खतरा काफ़ी कम हो जाता है और ये हृदय रोगियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से गन्ने के रस का सेवन करना काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन आप नियमित रूप से इसका सेवन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।